शहर के हैबो वाले इलाके में उस समय अजीब सी स्थिति पैदा हो गई जब सफाई कर्मी डंप की बजाय होम्योपैथी कॉलेज के पास कूड़ा फेंकने लगे, तो कॉलेज विद्यार्थी और मैनेजमेंट ने इसका पुरजोर विरोध किया। सफाई कर्मियों ने कूड़े से भरे वाहन बीच मुख्य सड़क पर छोड़ दिए, जिससे आने जाने वालों का निकलना दूभर हो गया और अगल बगल के दुकानदार कूड़े की बदबू से परेशान हो गए। गौरतलब है कि कल ही कांग्रेस के विधायक ने कूड़े के डंप को हटाने के लिए अपनी सरकार के खिलाफ धरना दिया था, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने कूड़ा दूसरी तरफ फेंक दिया जहां कॉलेज हॉस्टल है। इसी बात को लेकर कॉलेज ने विरोध किया और ऐसी अजीब स्थिति बन गई है अब, जो सबके लिए परेशानी का सबब बन गई है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, सीधा अपने साढ़ा इधर कॉलेज के नाल हॉस्टल है, अभी चाहते हैं कि ना जो डंप किया जा रहा है, सीटे जा रहा है, ये ना सीटे जाए। सामने साइड के हैबोवाल साइड के लोग जो है, मतलब जो उन्हों का कूड़ा कट्ठा करके लैके आए हैं, कलैक्टर जो है वो आगे इतने सीटन लगे है। पहला एक साइड के उत्ते सीटे जा रहे हैं, कॉलेज वाली साइड के उत्ते डेढ़ साल तो अभी चिट्ठिया भी बहुत पाने है, पर लेकिन हथके रुके नहीं वो, तो हूँ दूजी साइड हॉस्टल साइड के उत्ते भी कल तो पता लगे भी सीटन वास्ते उन्होंने ऑर्डर होया कोई मेयर साहब का, पर लेकिन किमें हो ऑर्डर सू नहीं पता। असी तो अपने सवेरे आके देखने लगे कि सीटन लगे, असं रोके हैं बस, साढ़ा तो यही ना ही साढ़ा तो प्रदर्शन कुछ नहीं है। अच्छा इतने ना सीटन हमने चले हुए घरों, बच्चों ने पढ़ाई करनी, बच्चे पढ़ने वास्ते आए, बच्चे कोई इतने कूड़े रुकने नहीं आए।